हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। भाजपा के लिए 2024 की राह मुश्किल। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए अब 266 सीटों पर मुकाबला कठिन होगा। तो दोस्तों, भाजपा की 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को बिहार में नीतीश कुमार ने झटका दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 4 महीने से नीतीश और भाजपा में तो तानातनी चल ही रही थी, उसमें भाजपा के रणनीतिकारों को मात खानी पड़ी। तो दोस्तों, गठबंधन टूटने के बाद मंगलवार रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के कोर ग्रुप के साथ बैठक की। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना से भाजपा का मिशन 2024 डीरेल भले ही ना हुआ हो, लेकिन झटका लगा है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में भाजपा कर्नाटक को छोड़ अन्य राज्यों में पैर जमाने में अब सफल नहीं रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आंकड़े देखें तो 2024 के लिए भाजपा के लिए 266 लोकसभा सीटों पर मुकाबला 2019 की तुलना में मुश्किल हो सकता है। वहीं दोस्तों, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2019 में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। तो दोस्तों, महागठबंधन बनने से भाजपा बनाम अन्य के बीच 60% वोट का अंतर होगा और दोस्तों भाजपा 20% तो महागठबंधन के पास 80% वोट शेयर है। वहीं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा के एक महासचिव ने कहा, नीतीश को इतने दिन सादे रखने की अहम वजह यही है कि उनका वोट शेयर भाजपा में मिल जाए तो अपराज्य है और राजस्व मिल जाए तो वे भी अपराज्य है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोर्ट ने श्रीकांत को 14 दिन की हिरासत में भेजा, मेरठ से एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार। तो दोस्तों, नोएडा की ग्रेट ओमिक सोसाइटी में महिला से मारपीट और गाली गलौज के मामले में सूरजपुर कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो दोस्तों, त्यागी के साथ उनके साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और दोस्तों, चारों आरोपियों को नोएडा के लुक्सर जेल में रखा जाएगा। वही दोस्तों, माना जा रहा है कि बुधवार को इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। और दोस्तों, श्रीकांत त्यागी को UP STF ने मंगलवार को गिरफ्तार किया और उस पर नोएडा पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने श्रीकांत समेत 4 आरोपियों को भी पकड़ा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने पूछताछ में बताया कि गाड़ी पर लगे विधानसभा के स्टिकर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिलवाए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया है और इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर जारी वाहन पर श्रीकांत त्यागी की कार तक कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, भाजपा नेताओं के साथ फोटो पर आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी जवाब दे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीकांत की गिरफ्तारी पर उसकी बहन ने कहा, हम गिरफ्तारी से खुश है, घर का बच्चा सुरक्षित है, पिछले 4 दिनों से वे फरार चल रहे थे, मन में कई आशंकाएं चल रही थी कि कुछ ना हो जाए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुरक्षा बलों ने बड़गाम में लतीफ राठौर समेत 3 आतंकियों को घेरा, पुलवामा में 30 किलो IED बरामद। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बड़गाम जिले में वाटर हेल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वहीं दोस्तों, ADGP कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि इलाके में लतीफ राठौर समेत आतंकी संगठन लश्कर ए तैयब के 3 आतंकी फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, वे राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट सहित कई नागरिक हत्याओं में शामिल है। वही दोस्तों, ADGP के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहां भारी मात्रा में IED बरामद किए गए और दोस्तों, पुलिस इसे दोनों घटनाओं को साथ में जोड़कर देख रही है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने घाटियों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि इस साल में अब तक 139 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इनमें 32 से ज्यादा विदेशी है और जुलाई के आखिरी हफ्ते में 6 आतंकी मारे गए हैं। तो दोस्तों, इनमें 2 जैश-ए-मोहम्मद और 4 लश्कर-ए-आतंकी थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोविशील्ड या कोवैक्सीन के 2 डोज लगवा चुके लोगों को कॉर्बेवैक्स लग सकेगी, 18+ के लिए बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कॉर्बेवैक्स बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है और दोस्तों, यह डोज 18 साल और उससे ऊपर की उम्र वाले लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक कॉर्बेवैक्स उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। इसी
के साथ दोस्तों आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,317 केस मिले हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय में पॉजिटिविटी रेट 13-16% के बीच है, जो की चिंता की बात है। वहीं दोस्तों बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 7, हिमाचल प्रदेश में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में 15.41%, हिमाचल प्रदेश में 16.04% और मेघालय में 14.65% पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया है। और दोस्तों दिल्ली में सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि मास्क नहीं पहनने पर ₹500 का जुर्माना लगेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रक्षाबंधन से पहले सोने चांदी की कीमतों में तेजी, सोना 52,000 और चांदी 58,000 के पार हुई, आने वाले दिनों में जारी रह सकती है तेजी। तो दोस्तों रक्षाबंधन के पहले ही सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोना 113 रुपए महंगा होकर 52,297 पर पहुंच गया है। तो दोस्तों हालांकि वायदा बाजार में सोने की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 191 रुपए फिसल कर 52,298 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो ये 185 रुपए महंगी होकर 58,291 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों MCX पर यह 318 रुपए कमजोर होकर 58,473 रुपए पर ट्रेड कर रही है। इसी के साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1790.86 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और चांदी $20.42 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 3,000 के एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ मिलेगी फ्री कॉलिंग, डाटा और SMS 250 रुपए महीने पड़ेगा प्लान, जियो लेकर आया है इंडिपेंडेंस ऑफर। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जियो एक खास ऑफर लेके आया है। इस ऑफर में यूजर्स को फ्री कॉलिंग, डाटा और SMS के अलावा और भी कई फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्लान में यूजर्स को कूपन डिस्काउंट का भी फायदा दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों इस ऑफर के तहत 2,999 रुपए में रिचार्ज पर 100% वैल्यू बैंक बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनमें यूजर्स को नेट मैट्स, आजियो, एक्जिगो और 75GB 4G डाटा और रिडीम कूपन भी मिलेगा। और दोस्तों ऑफर कूपन सब्सक्राइबर के माई जियो ऐप में 72 घंटे के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसमें किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ ही रोजाना 2.5GB डेटा मिलेगा। वहीं 75GB डाटा अलग से दिया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा हर दिन 100 SMS भी दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। और दोस्तों इस प्लान की वैधता 365 दिन की है। तो दोस्तों यूजर को जियो ऐप और सर्विसेज का भी एक्सेस मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी के पास 2.23 करोड़ की संपत्ति, पिछले साल के मुकाबले 26.13 लाख का इजाफा, ₹1 करोड़ की जमीन दान भी की है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2.23 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। और दोस्तों अधिकतर संपत्ति बैंक डिपॉजिट के तौर पर है। वहीं दोस्तों पीएम के पास अब कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, क्योंकि वे गुजरात के गांधीनगर में अपनी जमीन दान कर चुके हैं। और दोस्तों इस जमीन की कीमत 1.1 करोड़ रुपए थी। वहीं दोस्तों आपको यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर पीएम की संपत्ति के डिक्लेरेशन के बाद सामने आई है। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक उनकी कुल संपत्ति 2,23,82,504 रुपए थी। वहीं मोदी की चल संपत्ति में पिछले साल की तुलना में 26.13 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने किसी भी बॉन्ड, शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है और उनके पास कोई वाहन भी नहीं है। वहीं दोस्तों पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियां है, जिनकी कीमत 1.73 लाख रुपए है। और दोस्तों 31 मार्च 2021 तक प्रधानमंत्री के पास 1.1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। वहीं दोस्तों मोदी ने जमीन के जिस हिस्से को दान किया है वह अक्टूबर 2002 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए खरीदी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस जमीन पर 3 और लोगों का भी मालिकाना हक है। इसमें पीएम का 1/4 हिस्सेदारी थी, जिसे उन्होंने दान कर दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज होगी रिलीज लाल सिंह चड्ढा, ये फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रेमिक, 5,300 करोड़ कमाकर भी फ्लॉप थी 6 ऑस्कर विनर हॉलीवुड फिल्म। तो दोस्तों आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा मूवी आज रिलीज हो रही है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह 1994 की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। तो दोस्तों यह वही फिल्म है जिसने $668 मिलियन यानी $5,300 करोड़ रुपए की कमाई की थी
और 6 ऑस्कर भी जीते थे। हालांकि दोस्तों इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी यह एक फ्लॉप फिल्म रही और दोस्तों इसकी अटपटी कमाई और खर्च के कारण दुनिया भर के ट्रेड एक्सपर्ट ने इसे सक्सेसफुल फ्लियर का टैग दिया था। वहीं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने यंग दिखने के पूरे 20 किलो वजन कम किया था और फिल्म में उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर दिखाया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म के एक्शन सीन शूट करते हुए आमिर को गहरी चोट आई थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग रोकने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा फिल्म को 25 दिसंबर 2020 में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसे टाल दिया गया और अगली डेट थिएटर खुलने के बाद 24 दिसंबर 2021 तय हुई थी, लेकिन दोस्तों कोरोना के बढ़ने से इस फिल्म को फिर से टाला गया। वहीं दोस्तों तीसरी डेट 11 फरवरी को निर्धारित हुई, लेकिन दोस्तों प्रोडक्शन में आई रुकावट के चलते इसे 14 अप्रैल के लिए शेड्यूल किया गया। तो दोस्तों आखिरकार यह फिल्म 11 अगस्त यानी आज ही के दिन रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव पर विवाद, मुस्लिम समुदाय का दावा जमीन वक्फ बोर्ड की हिंदूवादी संगठन बोले सार्वजनिक जगह है। तो दोस्तों कर्नाटक में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक हत्याओं की 3 घटनाओं का मामला भी थमा ही नहीं था। इस बीच अब बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान पर विवाद भड़क गया है। तो दोस्तों चामराजपेट मैदान में हिंदूवादी संगठन इस महीने के अंत में गणेशोत्सव मनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह जमीन सिर्फ वक्फ बोर्ड की है। वहीं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि चामराजपेट से कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान का कहना है कि चामराजपेट ईदगाह मैदान में किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर चामराजपेट ईदगाह मैदान पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होता तो वे खुद इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों इस मामले को लेकर राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस और गणेशोत्सव को मनाने से लेकर विभागों के पास वैसे तो अब तक कोई आवेदन नहीं मिला है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से अगर इस तरह का कोई आवेदन मिलता है तो राज्य सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1999 में भाजपा को इस मैदान पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की मंजूरी नहीं मिली थी और मैदान की एवज में वक्फ बोर्ड को 10 एकड़ वाली जमीन दी जा चुकी है और दोस्तों यहां का 2 एकड़ का मैदान खेलों के लिए छोड़ा गया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।